ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंभु। अब सर्दियां पड़ने लग गई, लेकिन हम रोज रेगुलर जो पानी होता है उसी से नहा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पड़ेगी तब देखेंगे कि कैसे नहाना है। उस सब के हम ठंडे से नहाएंगे। गाइज, हमारी स्कूटी आज स्टार्ट नहीं हो रही, ड्यूक पे चलते हैं, ड्यूक को स्टार्ट करते हैं। ड्यूक भी काफी टाइम से स्टार्ट नहीं की है, हो जानी चाहिए स्टार्ट। स्टार सिटी में पेट्रोल खत्म हो गया, वो ऐसे अंदर पड़ी हुई, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ड्यूक पे चलेंगे। गाइस, इस DJI Osmo Action 4 का जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, वो 155 डिग्री है, तो भी आपको काफ़ी वाइड दिख रहा होगा, और इसका लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसमें पूरा 1 इंच का सेंसर नहीं है, लेकिन इसका सेंसर GoPro 12 से ज़्यादा अच्छा है। ऐसे थोड़ा टेक्निकल बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अभी जो DJI Pocket 3 आया ना, उसमें पूरा 1 इंच का सेंसर है, लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। मित्रों, सूर्यदेव को आने में अभी समय है, तो हम 30 मिनट के लिए माला जप करेंगे और आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। मित्रों, सूर्यदेव आ गए हैं बाहर पूरे भगवे रंग में, चलो जल का अर्पण कर देते हैं उन्हें। मित्रों, 30 मिनट अब हम पूर्णतः आज्ञा चक्र पर रहेंगे, ठीक है, आंख बंद करके। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के हम आज 24वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मेरा संन्यास ग्रहण स्वामी संस्थान के अंतर्गत। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके सार की बात करेंगे। मित्रों, आज हमने योगी कथा अमृत में पढ़ा, 1915 की जुलाई के गुरुवार को योगानंद जी को उनके गुरु ने संन्यास दीक्षा दी, क्योंकि वो उनके गुरु से कह रहे थे कि गुरु, अब तो मेरी ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया है, क्या अब आप मुझे संन्यास दीक्षा नहीं देंगे। इससे पहले भी वो कहते रहते गुरुदेव से, लेकिन गुरुदेव हर बार टाल देते थे कि अभी समय नहीं हुआ है। तो जब उनकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गई, मतलब वो उनके पिताजी ने गुरुदेव के पास, युक्तेश्वर गिरी जी के पास जब उनको छोड़ा था, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही थी कि इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसकी पढ़ाई हो जानी चाहिए, तो उनकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो उस दिन यानी कि 1915 की जुलाई के एक गुरुवार को गुरुदेव ने एक रेशमी सफ़ेद कपड़ा लिया, उसको गेरुए रंग में डुबोया, फिर उसको निकाल कर योगानंद जी के शरीर पर लपेट दिया और उनको संन्यास दिया। लेकिन गुरुदेव ने उनको परंपरागत तरीके से संन्यास नहीं दिया, उनको अपने ही ढंग से संन्यास दिया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिसाब से नाम चुनो, तुम्हारा नाम चुनने की आज़ादी तुम्हारी खुद की है। एक पल आँख बंद करने के बाद सीधा मुकुंद ने कहा कि मैं अपना नाम योगानंद रखूंगा, और गिरी संप्रदाय से उनके गुरुदेव थे, तो गिरी संप्रदाय उनके लगा, तो उसके बाद उन्होंने अपना नाम रखा योगानंद। योग में आनंदित जो है, यानी कि ईश्वर के साथ जुड़कर जो आनंद में डूब गया है, वो योगानंद है। तो ये हमने आज पढ़ा, तो वो योगानंद है। मित्रों, जो योगानंद शब्द है, उसका अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन, और मिलन के बाद जो है आनंद, ईश्वर के साथ जुड़ गई आत्मा और एकाकार हो गई, और वो बस आनंद में डूब गई। तो ये है योगानंद शब्द का अर्थ, बड़ा ही अद्भुत अर्थ है। तो ये था जो हमने आज पढ़ा, आज उनको संन्यास दिया उनके गुरुदेव ने, और जब पहली बार गुरुदेव के मुख से निकला ना मुकुंद की जगह योगानंद, तो योगानंद इतने प्रसन्न हुए, उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपने इस बाल मुकुंद को योगानंद तक पहुंचाने में कितना श्रम किया है, आपकी कृपा के बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। जय जय शिव शंभु। मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम, जय भवानी। एक बात और कहूंगा कि इस संसार में जो विशुद्ध प्रेम कहा गया ना, भक्त और भगवान के बीच तो है ही, ऐसे ही विशुद्ध प्रेम एक गुरु और शिष्य के बीच भी बहता है। जय जय शिव शंभु। मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम, जय भवानी।